गायजा इज फॉर मी, मेरे लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज गाना है, बिकॉज ये मैंने आई थिंक 2017 में कंपोज किया था और उस टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था. फिर आई थिंक 2020 लॉकडाउन, इंडिपेंडेंट म्यूजिक राइजिंग, उस टाइम पे अरिजीत ने बोला कि आई वॉन्ट टू डू दिस सॉन्ग. सो लगे ओके लेट्स डू इट एंड फिनिश इट. सो श्लोक ने ऑलरेडी लिरिक्स लिखे हुए थे और मुझे मेरे माइंड में था कि आई नीड लाइक अ सॉन्ग विच एक्सप्रेसेस सेल्फ लव. जो हम भाग दौड़ की दुनिया से मतलब चलते रहते हैं और हाउ टू लाइक यू नो जस्ट बी सेल्फ, थोड़ा सेल्फ, खुद से प्यार करने वाला जो सीन है वो उसके लिए ही किया था ये गाना. एंड इट टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ प्रॉब्ली एवरी पर्सन. जो हम लोग हसल रेस कर रहे हैं हर दिन, उसको ही दिखाने की कोशिश की है कि स्टॉप, रिलैक्स फॉर अ वाइल एंड देन स्टार्ट अगेन. सो क्योंकि लिरिक्स श्लोक ने लिखे हैं तो ऑब्वियसली वो एक बेटर एक्सप्लेनेशन देगा इसका. तो आई विल हैंड इट ओवर टू. इनफैक्ट ये सेल्फ लव वाला जोन और फिर गाना, क्योंकि बनते बनते भी काफ़ी टाइम लगा, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो थीम है गाने की, प्रोक्रेस्टिनेशन या हर चीज़ को डिले करना, आज को कल पे डाल देना, जैसे हर एक चीज़ में हम लोग करते हैं, शायद अगर जिम जाने की बात हो या फिर छोटी सी बात कि यार 5 मिनट और सो लेने दो. तो ऐसे छोटे छोटे उन सारी चीज़ों को कैप्चर करके ये गाना बना, जो कि मैं खुद जी रहा था उस समय इन चीज़ों को. तो गाना लिखने में भी जब सनी पूछ रहा था कि कब दे रहा है, बोला एक दिन बाद देता हूँ, तो वैसे करके. बट आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल फीलिंग है ये, हम सब कहीं ना कहीं ये चीज़ में जूझ रहे हैं, वो लचते हैं, बट इससे काम भी निकल जाता है कई बार. टेकिंग इट स्लो मेक्स यू लुक एट थिंग्स इन अ बेटर वे एंड देन यू अप्रोच इट इन अ बेटर वे ऑल्सो. तो मेरा आई थिंक म्यूज़िक में आना वो भी डिले हुआ है. मतलब सनी बहुत पहले स्टार्ट कर दिए, मैं तो आई थिंक मैं जब 28 का हुआ तब मैंने सोचा कि यार एक बार ट्राई करते, देखते क्या होता है. एंड जैसा सनी ने बोला, आई थिंक हमारी जर्नी, हमारी ग्रोथ शायद इनकम्प्लीट होती, या मेरे लिए तो मेरी शुरुआत भी इनकम्प्लीट होती अगर मैं प्रीतम दा के यहाँ पे नहीं जाता, या मैं वहाँ पे मुझे वो मौका नहीं मिला होता कि आ करके बस लिखो. मतलब मैंने इस हिसाब से वहाँ पे गाने लिखे और उस चीज़ में इतना पॉलिश हुआ, मुझे फीडबैक्स बहुत आते थे सनी, आशीष सर, दादा खुद, तो उससे करते करते काम बहुत अच्छा होते गया. एंड मतलब शुरू में तो बस मैं ऐसा लग रहा था जैसे अगर आप जन्नत पहुँचो तो आप सिर्फ नज़ारे ही देख करके खुश हो रहे होगे कि भाई सारे बड़े बड़े लोग मेरे सामने, मैं बस देख रहा हूँ. तो उस हिसाब से जर्नी स्टार्ट हुई. एंड हमने शुरू में भी हमने गाना किया था कहानी, वो हमारा पहला गाना था. तो वहाँ से एक सफ़र स्टार्ट हुआ जो कि अब हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. आई एम सो ग्लैड दैट गायजा फाइनली आ गया है. काफ़ी क्वेश्चंस आए बिकॉज सोशल मीडिया वाज फुल. लास्ट ईयर अनाउंस कर दिया था हमने, 2021 जैन में शूट किया था और उसके बाद गाना अनाउंस कर दिया था और अभी हम जून 22 में है. तो बट इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर अस. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द सॉन्ग. आई एम वेरी प्राउड द वे अरिजीत हैज़ एग्जीक्यूटेड द सॉन्ग, द म्यूजिशियंस हु वर इन्वॉल्व इन द सॉन्ग एंड ऑल्सो द वीडियो एंड वर्तिका. एंड एब्सोल्युटली नॉट टू फॉरगेट ये आदमी जो बैठा हुआ है, श्लोक, जिसने लाइन लिखी है. आई जस्ट सिंग दोज टू लाइन्स. इट गोज, द कोरस ऑफ द सॉन्ग इज लाइक, करेंगे करेंगे ऐसा भी रश क्या, हूँ जरा लेट मैं छोड़ना बस क्या, सोफे पे बैठ के या तो फिर लेट के, ले रहा हूँ अभी रूह का जायका, ना बनी बात है ना बने बाल हैं, गा रहा दिल मेरा बेवजह गाए जा. मतलब मीनिंग वाइज इट्स सो गुड, इट्स सो रिलेटेबल कि आप, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग. मतलब लिरिक्स को जस्टिस तो हर बार ही मिलता है. इनफैक्ट जब हमने स्टार्ट किया था पहला गाना रिहा ओरायन पे आया था, एंड जस्टिस से भी ज़्यादा जो एक बात है कि हमने जब गाना हम बनाने बैठते हैं तो कई बार होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी में बनाते हैं या बहुत जल्दी जल्दी में उसे ख़त्म करना होता है. बट यहाँ पे हम लोग बहुत टाइम ले लेकर के भी ये काम सिर्फ करते. इसलिए हुआ, एक्चुअली मैं उसको कट करूँगा, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने गाने में लिख दिया, करेंगे करेंगे ऐसा भी रश किया.
हाँ मतलब कि बरेहा लिखने में आई थिंक हम सब लोगों ने बैठ करके करीबन एक डेढ़ महीना लगाया कि वो गाने को उस लेवल पे ले जाना है, क्या बात करनी है, तो वो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि हमें क्या कम्युनिकेट करना है, आई थिंक वो बहुत ही शुरू से बहुत क्लियर रहता है, चाहे गाया जा था चाहे रिहा, हर समय हम लोगों ने बस ये सोचा कि हमें बोलना क्या है पहले हम वो बस क्लियर रखें, और एक बार वो आता है तो फिर माध्यम अपने आप निकल आता है कि हाँ भाई चलो ये रूट सही लग रहा है, ये रूट सही लग रहा है। देन जब वो फाइनली ऐसा, जब मैंने वीडियो देखा, लाइक मैं सेट पे नहीं था, एंड जब मैं वीडियोस देख रहा हूँ या फिर जब मैंने कुछ BTS देखे, तो मुझे इतना मन किया कि यार काश उस समय जा पाता, बट जो मज़े जो तैयारियाँ करने में या जो और जो कहानियाँ हैं उस सेट को भी खड़ा करने के लिए या जो लोकेशंस को तैयार करने के लिए, एंड देन व्हेन यू फाइनली सी इट, तो फिर लगता है कि यार अच्छा है, बहुत ही बढ़िया से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई, बहुत ही अच्छे से सामने आया, एंड लाइक आई डोंट थिंक अगर इससे इस गाने को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट और अगर प्यार मिलता है तो हम सब लोग विल बी मोर मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच सॉन्ग्स एंड